नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जैन। पिछले कुछ दिनों से बिहार में घमासान चल रहा है। कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए ज्वाइन करते हैं तो कभी आरजेडी ज्वाइन करते हैं। इस कारण से युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। पिछले कुछ महीने की बात करें तो पटना में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था नौकरी को लेकर, जिसमें एक युवक को बेरहमी से पुलिस वालों ने पीटा था। जो छात्र घायल हुआ था वह छात्र दरभंगा का रहने वाला था और उस छात्र के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने तक नहीं पहुंचे। अब जरा सोचिए, आप जहां युवा नौकरी के चलते परेशान है, उस राज्य में नौकरी नहीं मिल पा रही है। महंगाई बढ़ ही रही है, पेट्रोल डीजल अनाज के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ लोग नौकरी के चलते परेशान है तो दूसरी तरफ महंगाई को लेकर। इन्हीं सब को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान बिहार बचाओ का मोर्चा लेकर अरवल पहुंचे और वहां का नजारा देखने लायक था। इस कदर भीड़ थी कि जैसा कि मानिए कि जन सैलाब देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है उनके इस मोर्चा में। अब देखना है कि बिहार की जनता आने वाले समय में किसे मुख्यमंत्री बनाती है, पलटू राम नीतीश कुमार को या एक होनहार नेता चिराग पासवान को।